बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। दोस्तान अज़ीज़, प्रोग्राम बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजद हाज़िर ख़िदमत है, सलाम कबूल कीजिएगा। आज के प्रोग्राम का हमारा उन्वान है कुरान, रमज़ान और साहिब कुरान, इस पर गुफ्तगू होगी। तो प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं। तलावते कलाम पाक के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाबे कारी शबीर हुसैन साहब। तो मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि आयात बजनात की तलावत से हमारे क्लूब व अजहान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। और इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं हमारे इलाका के खूबसूरत और अजीम सनाखान मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद तैयब कादरी साहब। और तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मेहमानों की लिस्ट में जनाब मोहम्मद असलम करखी साहब। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तलावते कलाम पाक से जनाब शबीर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما شاء الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام ما شاء الله يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب قاری شبیر حسین صاحب جو ہیں
आयात बजनात की तलावत से हमारे क्लूब व अजान को मुनव्वर व मुत्तर फरमा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी कुरान, रमज़ान और साहब कुरान के हवाला से, कुरान के मौजज़ात, फ़ज़ाइल और फ़यूज़ व बरकात के हवाला से। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा नूरी साहब, इनको मैं प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो बहादुर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदतों और मोहब्बतों के फूल नछावर करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहम्मद तैयब कादरी साहब, जो कि हमारे इलाका का बहुत बड़ा नाम है। तो मैं जनाब से गुजारिश करूँगा कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ओ झोली किसे दिए, ओ झोली किसे ना कम दिए, जे खैर पिया विच कोई नहीं। ओ झोली किसे ना कम दिए, जे खैर पिया विच कोई नहीं। उस अख दे बदले कख भी नहीं, उस अख दे पल्ले कख भी नहीं, जड़ी यार दे गम विच रोई नहीं। दर दर दे ठेडे खावेगा, जे पटाना गल विच पावे दे ठेडे खावेगा, ओ मिया जे पटाना गले विच पावेगा, फिर सारा जमाना
आखेगा एदा वाली वारस कोई नहीं। फिर सारा जमाना आखेगा एदा वाली वारस कोई नहीं। और असली कलाम शेर है, अलहाज मोहम्मद रिजोरी कसूरी साहब लिखते हैं, दर दर दे ठेडे खावेगा जे पटाना गले विच पावेगा। फिर सारा जमाना आखेगा एदा वाली वारस कोई नहीं। फिर सारा जमाना आखेगा एदा वाली वारस कोई नहीं। लख भावे हार सिंगार करे पई तर ले लख हजार करे। लख भावे हार सिंगार करी पई तर ले लख हजार करी। ओ जिन्नू प्रीतम अपना ना समझे, जिन्नू प्रीतम अपना ना समझे, अजे तीक सुहागण होई नहीं। अजमत पहचान जहूरी ये पर निस्बत बहुत जरूरी है। अजमत पहचान जहूरी ये पर निस्बत बहुत जरूरी। तरेड़ा पै जावण भांडे नु तरेड़ा पै जावण जे मिट्टी दब के गोई नहीं। उस अख दे बदले कख भी नहीं जड़ी यार दे गम विच रोई नहीं। ओ झोली किसे ना कम दिए जे खैर विच कोई नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाबे मोहम्मद तैयब हसन कादरी साहब। तो हमें ज्वाइन किया हुआ है जनाबे शाहिद रजा नूरी अल अजीजी ने।
और जनाब अलहाज मोहम्मद नवाज कमर साहब दीपालपुर से, जो कि हमारे तहसील का सरमाया अहले सुन्नत हैं, और राजा रियाज अहमद सप्रा साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, नेमत अली क्लासन एडवोकेट साहब ने ज्वाइन किया हुआ है, जनाब अलहाज मोहम्मद हसन दर्दी साहब हमें वाच कर रहे हैं, परवेज भट्टी साहब हमारे साथ हैं। मैं सभी अपने दोस्तों का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे प्रोग्राम में जो अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अलामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़ा नूरी साहब, मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हजूर, आज हम बात करेंगे, बल्कि आपसे हम सुनेंगे कुरान, रमज़ान और साहिब कुरान। चूँकि पाकिस्तान का क्याम जो है वो माह रमज़ान में है, और कुरान जो है उसका नज़ूल जो है वो भी माह रमज़ान में है, इस हवाला से हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे फेसबुक के, हमारे सोशल मीडिया के, हमारे यू फोन के और यूट्यूब के हमारे जो अहबाब हैं, उनसे आप अपना मैसेज कन्वे कीजिएगा। और हमें ज्वाइन किया हुआ है, हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं हाफ़िज़ अली हमज़ा साहब, जो कि कुरान की बरकत है, आज साहिब कुरान की बात होगी, और कुरान की बरकत से आज हमारे पास जो हैं दो कुर्रा साहिबान जो हैं वो तशरीफ़ फरमाएँ, जिनको हम वेलकम कहते हैं। जनाब हज़रत अलामा मौलाना ताहिर साहब, अल्हम्दुलिल्लाहि वलीहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीहि अल-फ़ज़्ल वल-अदल वन-नज़्म वल-अज़्म बिल-जज़्म वबिसुबहान वबइत्क़ान वबइमान वबइरफ़ान फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु 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 ला शरीक लहु ला मिद्द लहु वला निद्द लहु वला नज़ीर लहु वला ला बलदा जलदा ला बालदा वालदा जालदा जसदा उजुवा खुजुवा नुसुबा रुसुवा ला ताबा आईबा ला वन शहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु वहीदं व अहदा ला शरीक लहु अज़लियुन अबदियुन हमदियुन समदियुन वहदहु वहदा वन शहदु अन्ना सैयदना व सनदना हबीबना तबीबना करीबना गौसना व गयासना व मुगीसना व महबूबना व मकसूदना व मखजूमना व माशूकना व महबूबना मुहम्मदन मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वल मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिही व सहबिही अजमईन। हिय अव्वलुल खल्क व अहसनुल खल्क व अकमलुल खल्क व अजमलुल खल्क व अनवरुल खल्क व अतहरुल खल्क व अज़हरुल खल्क व अमजदुल खल्क व अरशदुल खल्क व अअज़मुल खल्क व अअलमुल खल्क व अकरमुल खल्क अजमल अनवर अकमल अतहर अमजद अतियब अफसह अमजद अरशद अअज़म अअलम मुहम्मदनिल मुस्तफा वल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक वसल्लम। अम्मा बादु, फऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मकामि सानी खैरुम मिन अल्फ शहर, قال الله تبارك وتعالى في مقام الثالث انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या नबी अल्लाह। सबसे पहले मैं साजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें मदु किया, कुर्रा साहबान जनाब तैयब हसन कादरी साहेब, दीगर हाजरीन सामईन नाजरीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे पूछा गया कि आपको अल्लाह ताला ने नबुव्वत कब अता फरमाई, यानी गोया आप नबी कब बने, मता वजबत लकन नबुवा। तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन तो नबी यम व आदम बैनर रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था अभी तक आदम अलैहिस्सलातु वसल्लम के जिसमें अतहर में रूह भी नहीं डाली गई थी। मालूम यह हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम नबी तो बहुत पहले थे, ना ज़मीन थी ना जमा था, ना मकीन थी ना मकान था,
ना लौह थी, ना कलम थी, ना अर्श था, ना फर्श था, कोई चीज़ भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नबी थे। और बाबा मुल्तानी भी बोला ना, अजन आदम था गिलगारा, तिड़े नूर कथा चमकारा, मुनज़ा पाक भी आखा, सहबे लौ लाख भी आखा, कहीं कूँ कल न पई अज ताई, गैर उल रुल तह बुल बुल, तोड़े मजनू अहमद का दीवाना था, मुलामत का निशाना था, माज लैली मिलने का बहाना था, सह हीरा ते सह ससियां, तेड़े दीदार दियां तसियां। बात लंबी हो जाएगी। यानी नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त भी नबी थे, अभी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अथर में रूह भी नहीं डाली गई थी। और मोमिनों की मां हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला, जब सरकार के कल्ब अथर में रब रब करने की मोहब्बत पैदा होगी ना, अल्लाह अल्लाह करने की मोहब्बत पैदा होगी, तो सरकार मदीना मक्का शरीफ से दूर एक गार है जिसका नाम है गार हिरा शरीफ। सरकार गार हिरा शरीफ की तरफ चले पड़े। आपने कुछ सत्तू लेके जाना, कुछ पानी लेके जाना, खाते पीते रहना, और वहां जाके अल्लाह अल्लाह करना, रब की इबादत और रियाजत और खुदा का नाम जपना। और कुछ लोग कहते हैं कि जिब्राइल के आने से पहले सरकार को अल्लाह का पता नहीं था, ईमान का पता नहीं था, इस्लाम का पता नहीं था। अभी तक जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए नहीं, तो सरकार मदीना अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, रब रब कर रहे हैं, तो मालूम यह हुआ कि मेरी सरकार तो है जिब्राइल के मोहताज नहीं, बल्कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को सब चीज का इलम जिब्राइल के आने से पहले भी था, क्योंकि सरकार का उस्ताद भी तो अल्लाह है ना, अर रहमान वल्लमल कुरान। सरकार मदीना गार शरीफ में चले गए, और गार शरीफ अल्लाह ताला सब को ज्यारत नसीब फरमाए, सिर्फ दो बंदों की जगह है, तीसरा आदमी बमुश्किल बैठ सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जब गार में होते तो ऐन उसी वक्त गार में भी होते और सिदरतुल मुंतहा पे भी होते। इससे एक मसला और समझ आया कि बाज जिस्म तो एक होते हैं, रूह एक है, लेकिन एक जिस्म कई मुकामात पे अपना नया जिस्म बना के काम करता है। पहला इस्तदलाल कुरान पाक से है कि यहां हवेली में कोई बंदा फौत हो जाए, उसकी जान कब्ज कौन करेगा? इज़राइल अलैहिस्सलाम। और उसी वक्त लाहौर में कोई बंदा फौत हो जाए, उसकी जान कौन कब्ज करेगा? इज़राइल अलैहिस्सलाम। रावलपिंडी, मुल्तान, ईरान, अफगान, दिल्ली, बनारस, सऊदी अरब, अमेरिका, एक वक्त में एक लाख बंदा भी मर जाए, उसकी जान कौन कब्ज करेगा? इज़राइल अलैहिस्सलाम। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान शाहिद है, इरशाद हुआ, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम। हबीब प्यारे, हमने इज़राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है, इज़राइल है अकेला, लेकिन एक ही वक्त में कई मुकामात पर अपना नया जिस्म बना के काम करता है और पहुँचता है। अब समझने वाली बात यह है, कुछ लोग हमें भी कहते हैं ये सुन्नी दीवाने और मस्ताने क्यों बन चुके हैं, ये क्यों ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हर मोमिन की कब्र में जलवागरी फरमाते हैं, सरकारे मदीना तो मदीना शरीफ में है, दरमियान में समंदर है, इतना फासला है, इतना दूर है, सरकार कैसे आएंगे एक ही वक्त में हर मोमिन की कब्र में? भैया, अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम एक होके हर मोमिन के पास, हर एक के पास जाके जान कब्ज फरमा सकते हैं, तो ऐन मुमकिन है बिला तमसीलो मिसाल मेरा महबूब भी एक होकर हर मोमिन की कब्र में जलवागरी फरमा सकते, क्योंकि इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नजीरा। ए महबूब, हमने आपको शाहिद बनाया, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, हमने आपको उम्मत का गवाह बनाया, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا। यानी मतलब क्या, हशर के दिन हर हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा, और मेरा महबूब इतना करीब रहने वाला है, अन्नबी औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी एक ही वक्त में पहली उम्मतों की गवाही भी देगा और अपनी उम्मत के आमाल की गवाही भी देगा। यह है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान करीमी। अच्छा, बात लंबी हो जाएगी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ फरमा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अभी तक जिब्राइल अमीन आए नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि गार के दाने पे जिब्राइल अमीन आए,
اور تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ جبرائیل کے 600 نوری پر ہیں. 600 کتنے پر ہیں؟ 600 نوری پر ہیں. اگر ایک پر کو کھول لے تو مشرق اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ جبرائیل کا ایک پر ہے, مشرق اور مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور غار حرا شریف صرف دو بندوں کی جگہ, یہ جو غار میں جبرائیل آیا ہے یہ 600 پروں والا تو نہیں, غار کی تو جگہ ہی بڑی محدود ہے. ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آیا کہ نور کبھی کبھی بشر بن کے آ سکتا ہے. نور کبھی کبھی بشر بن کے بھی آ سکتا ہے. اگر جبرائیل امین علیہ السلام غار میں شکل انسانی میں آ جائیں تو نورانیت میں فرق نہیں پڑتا, تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمینہ پاک کی گود میں شکل بشری میں آ جائیں, سرکار کی نورانیت میں بھی فرق نہیں پڑتا. اب جبرائیل امین نے کہا اقرا, بلکہ میں اس سے بھی ذرا ڈیپلی جاؤں تو بندہ کبھی کبھی اپنے دھیان میں مست اور الست ہوتا ہے نا, جی السلام علیکم, بندہ اپنے خیالات میں گم ہے. یا کامل پیر بیٹھا ہو تو مرید اس کے دیدار میں مست اور الست ہوتا ہے, استاد بیٹھا ہو تو مرید شاگرد جو ہے وہ دیدار میں مست ہے. کوئی ادھر سے بلائے ادھر سے بلائے کسی کی بات اچھی نہیں لگتی, سب توجہ سب دھیان پیر صاحب اور استاد صاحب کے دیدار کی طرف ہے. تو وہ بھی تو آخر میرے محبوب تھے نا, جن کی تار لگی تھی رب العالمین کے ساتھ, اس کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی. تو جبرائیل کہہ رہا ہے اقرا, سرکار کی تار تو ادھر لگی ہوئی ہے, سرکار نے فرمایا جبرائیل مجھے رہنے دے مست. اب کیا ہوا, حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, سرکار ارشاد فرماتے فغتنی, کہ جبرائیل نے مجھے گلے سے لگایا. جیسے بندہ کوئی مست بیٹھا ہو تو آدمی بعض دفعہ کندھے سے پکڑ کے ہلاتا ہے, جبرائیل نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے سے لگایا. اور بے تکلفی کے ساتھ کبھی کبھی دوست ملتے ہیں نا, جیسے عید پہ ملے یا ویسے ملے کافی مدت بعد, ارشاد ہوتا ہے فغتنی, اتنا دبوچا حتی یہاں تک کہ بالغا, پہنچا وہ منی مجھ سے, الجہدہ مشقت میں, تھکاوٹ میں. اور اس کا پنجابی میں اگر ترجمہ کروں تو زیادہ مزہ آئے گا. فرماتے جبرائیل نے جدو میں نے جفیچ لیا نا, تے جدو میں محبوب نے نگاہاں چک کے ویکھیاں تے جبرائیل دے متھے تے تریڑیاں آئیاں سن. یعنی مطلب کیا, ٹھیک ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے لیکن یہ سینہ بھی تو کوئی عام نہ ہے نا. علم نشرح لک صدرک, محبوب آپ کے سینے پہ ہم نے کل کل شہر روشن فرما دی. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ, اللہ دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ. پوچھو جبرائیل سے کہ میری سرکار کو کیسا پایا, پوچھو جبرائیل سے کہ میری سرکار کو کیسا پایا جنہیں سدرہ پہ جاتے ہوئے تنہا پایا. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین, اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نبی کی پاور زیادہ ہے فرشتے کی پاور کم ہے, کیونکہ سرکار کے گلے سے جبرائیل نے سینہ لگایا نا آپ کے سینہ پاک سے, تو جبرائیل کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوا, معلوم ہوا کہ نبوت کی پاور زیادہ ہے. کچھ لوگ آج کہتے ہیں فرقہ واریت کی آڑ میں آ کے, جی فرشتے کی پاور زیادہ ہے نبی کی پاور کم ہے. میں یہ کہتا ہوں نا, یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو, فرشتہ وہ ہے, اگر نہیں اعتبار تو مشکا شریف کی حدیث پاک کا نظارہ کر لیں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا تشریف فرمایا ہے, جناب عزرائیل علیہ السلام آئے, فرمایا کیسے آیا ہو, حضور آپ کی جان نکالنے آیا ہوں, وہی کام کرنے آیا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے, تو آپ نے تھپڑ رسید کیا, جوں ہی تھپڑ لگایا تو اس کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی, فوری خدا کے پاس چلا گیا. رب العالمین کس بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کے لیے تیار ہی نہیں, آواز رحمت آئی جان لے کے آ گئے ہو, آہو لے کے آ گیا ہوں میں اپنی بڑی مشکل سے بچا کے آیا ہوں, تم کہتے ہو لے کے آ گئے ہو. اچھا اللہ یہ آنکھ تو ٹھیک فرما دیں, تو اللہ کا دست قدرت کیا ہے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, رب العالمین خلاق کائنات نے بے مثل ذات نے اپنے دست مبارک سے اپنی شان کے لائق جیسے تھا آنکھ کو فوری ٹھیک فرمایا, اور فرمایا اب پھر دوبارہ جاؤ. مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہوگا پھر دوسری بھی نکلوا کے آنی ہے. تو آواز رحمت آئی کہ دوبارہ جانا پڑے گا لیکن ادب ہاتھ میں لے کے جانا پڑے گا, ہر کسی کے پاس ایک ہی طریقہ کار کے ساتھ نہیں جایا کرتے. اور نبیوں اور ولیوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو سلاموں کے تحفے اور نذرانے پیش کیے جاتے ہیں,
पहले जाके इजाजत तलब की जाती है। अच्छा जाऊं? फरमाया मेरी जन्नत से ना एक बैल साथ ले जा, जिसे पंजाबी में कहते हैं दांत। फरमाया एक बैल साथ ले जा। अल्लाह बैल को साथ लेके क्या करना है? फरमाया मेरे नबी मूसा अला नबी ना उनकी बारगाह में जाना, पहले सलाम अर्ज करना, दूर खड़े होकर सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलाम अलैका या कलीम अल्लाह। हजूर अगर आप इस दुनिया पे रहना चाहते हो तो इस बैल की कमर पे हाथ फेरें, जितने बाल आपके दस्ते मुबारक के नीचे आ जाएंगे उतने साल अल्लाह ताला आपकी उम्र भी बढ़ा देंगे। तो आपने फरमाया भाई नबियों का जिगरा बहुत बड़ा होता है, वो उम्र भी तो ख़त्म होनी है ना, अगर उस दिन जाना है तो मैं आज ही जाने के लिए तैयार हूँ। किस्सा मुख्तसर, बात लंबी हो गई कि इज़राइल अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह के सामने बेबस, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे हबीबुल्लाह के सामने बेबस। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, वालिये दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां तेरी क्या बात है। और आला हजरत ने क्या फरमाया, सबसे औला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँचा ही ये देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमजदों को रिजा मुजद दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने कहा इकरा, आवाज़ क्या आई? कुछ लोग यहाँ भी मिसाल लगा के पेश करते हैं कि सरकार ने फरमाया मैं कैसे पढ़ूँ, मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। हालांकि ये साजे साहब तर्जमा तब बनता है कि आपके सामने कोई बंदा फ्रांसीसी लेके आ जाए, लिखी लेके आए और वो कहे जी इसको पढ़ो जी ये क्या लिखा है, तो आप फरमाएंगे जी मैं से नहीं, मैं तो पढ़ा ही हुआ नहीं, मैं कैसे पढ़ सकूं। अगर ये बात हो ना सिर्फ इकरा कहने की, बच्चे इधर आओ भाई छोटे, नालायन इधर आओ, क्या नाम है आपका? नालायन, आपके साहबजादे हैं? अच्छा जी, कहो इकरा, इकरा, उधर जरा मुंह करके इकरा, फिर बोलो इकरा, फिर बोलो इकरा। अब ना मैं जिब्राइल हूं और ना ही ये बच्चा मुस्तफा है, मेरे एक दफा इकरा बोलने से इसने तीन दफा कह दिया है इकरा इकरा इकरा। क्या ख्याल है तैयब साहब, साजिद साहब, कारी शबीर साहब के मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इससे भी गए गुबाचे हैं? और सरकार की शान तो वराउल वरा है, अगर छः साल का, आठ साल, सात साल का बच्चा जो है एक दफ़ा इकरा बोलने से तीन दफ़ा कह दे तो मेरे महबूब वो हैं अर्रहमान अल्लामा अल-कुरान। फरमाया जिब्राइल मुझे मस्त रहने दे, माना बिकारीन, मैं तेरे बस अब नहीं पढ़ने वाला, मेरे खुदा ने मुझे इतना पढ़ाया है ना उसके पढ़ाने में कमी है ना मेरे पढ़ने में कमी है, अर्रहमान अल्लामा अल-कुरान, उसने रहमत की लोरियाँ दे दे के मुझे सारा कुरान ही पढ़ा दिया है, सारे का सारा कुरान पढ़ा दिया है। अब देखो जरा, अब कुरान पाक का नुजूल होना शुरू हो गया, जब कुरान पाक नाजुल होना शुरू हो गया ना, कितना ये वजनी कलाम है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पसीने से शराबूर सैयदा खदीजतुल कुबरा के पास आए, जम्मेलूनी जम्मेलूनी जम्मेलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो। क्या मतलब है? ये वही आ रही है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। आज मैं कोशिश करूंगा कुरान पाक ज्यादा पढ़ूंगी क्योंकि कुरान पाक का मौजू है ना बरकत के लिए। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हबीब ये बहुत बारा कलाम है जो हमने आप पे नाजल किया है। ये कितना बारा कलाम है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा अपने एक सहाबी की गोद में सरे अनवर रख के आराम फरमा रहे थे, अचानक वही का नजूल होना शुरू हो गया। जब वही नाजल होना शुरू होगी ना तो सहाबी कहने लगे कि मेरे जिस्म पर, मेरे रानों पर इतना वजन पड़ा, इतना वजन पड़ा, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी हड्डियां अभी टूट जाएंगी। अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार होते वही नाजुल होना शुरू हो जाती तो ऊँटनी जो है उसके पांव जमीन में धंस जाने, बैठ जानी और सीना साथ जमीन के लग जाना, इतना वजनी कुरान। और जिसके बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिल लरईतहू खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। हबीब अगर मैं खुदा इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ भी इसके खौफ से रेजा रेजा हो जाने थे। तो फिर ये मसला भी समझ में आना चाहिए, कल को जो कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता पहाड़ रेजा रेजा, आज वो जनाब हाफिज़ साहब जी हैं, चट्ठा साहब हैं, चीमा साहब हैं, चौहान साहब हैं, मौलवी साहब हैं, पीर साहब हैं, रहमानी साहब हैं, इनके सीने में वो कैसे कुरान समा गया अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक? क्योंकि कुरान है जलाली और नाजल हुआ मेरे महबूब के सीने पे, नुज़िला अला कल्बी का महबूब
اسے ہم نے آپ کے سینہ پاک پہ اتارا ہے۔ قرآن جلالی ہے، آپ کا سینہ ہے جمالی۔ جیسے سورج نکلتا ہے نا، جس جگہ سے سورج نکلتا ہے جب غروب ہوتا ہے تو اسی جگہ سے ہی چاند نکلتا ہے۔ سورج جو ہے اس کا جلال ہے، لیکن جلال کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کون؟ چاند، اور اس کو بدل دیتا ہے جمال میں۔ فرمایا حبیب قرآن جو ہے یہ جلال والا ہے، لیکن اس کو میں نے اپنے سینہ پاک میں ایسا بدل دیا ہے، ایسا جمال بخشا ہے کہ اب میری امت کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اسے یاد کرے گا تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن اس کے سینہ پہ آ جائے۔ اور اسی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ رام چندر کا ایک دفعہ مناظرہ ہوا مولانا فضل حق خیر آبادی سے، تو رام چندر آیا، اس نے کہا جی کہ یہ گرنتھ ہماری سنائے۔ آپ نے فرمایا بھائی تم آپ بھی گندے ہو، تمہارا عقیدہ بھی گندا ہے اور کتاب اتنی بور ہے، میں نے پڑھ کے کیا لینا، اس ثواب تھوڑا ہی ملنا ہے۔ اس نے کہا اچھا نہیں تو میں تمہارے قرآن کا جو ہے نا پڑھنے والا ہوں، ابھی ابتدا کرنے والا ہوں۔ اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور پورے 250 پارے پڑھ دیے۔ لوگوں میں تہلکہ مچ گیا، انہوں نے کہا جی یہ تو رام چندر نے کچھ مطالعہ کیا ہوا ہے۔ لیکن مولانا فضل حق خیر آبادی تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ارے سنو، یہ آپ بھی گندا ہے، اس کا عقیدہ بھی گندا ہے اور کتاب بھی بوگس ہے، ہم آپ بھی نور والے ہیں اور جس کو مانتے ہیں وہ بھی نور نلا نور ہے اور قرآن بھی ہدایت اور رحمت والا ہے۔ فرمایا ان کا عقیدہ بھی گندا، کتاب بھی گندی، یہ تو میرے قرآن کا فیض ہے، اگر نام ماننے والا بھی پڑھے تو تب بھی اس کے سینے میں اپنا گھر اور ڈیرا جما کے بیٹھ جائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا قرآن یہ شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو مومن ہیں، اور جو کافر ہیں منافق ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ إِلَّا خَسَارًا، قرآن پاک ان کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، ان کے لیے کوئی نفع نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے رکھا کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ میں نے قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، وَلَا رَطْبٍ کوئی تر چیز ایسی نہیں، وَلَا کوئی خشکی والی چیز ایسی نہیں، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی تر چیز ایسی نہیں، یعنی ہر خشک و تر چیز کا علم جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، حفاظ بھی جلوہ گر ہیں، قرآن بھی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور لوگوں میں نے کوئی چیز ذرہ برابر بھی چھوڑی نہیں جس کا ذکر میں نے اس قرآن میں نہ کیا ہو۔ اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کو کسی بندے نے اپنے پاس سے نہیں گھڑا، یہ تو ایک ایک کتاب کی مصدق ہے، تورات، زبور، انجیل، صحائف، ایک ایک کی تصدیق کرنے والی ہے، اور لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ لیکن قرآن بندہ پڑھے، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کی دولت سینے میں ہو، کیونکہ مغز قرآن، علامہ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، ایک ہوتا ہے مغز اور ایک ہوتا ہے چھلکا، اور کتنا نالائق آدمی وہ ہے جو چھلکا کھانا شروع کر دے اور مغز کو پھینک دے۔ فرمایا مغز قرآن، اور قرآن کا مغز کیا ہے؟ ارے قراء، حفاظ، علماء، صلحاء، قرآن کا مغز کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان، ایک ہے جسم، اور جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے۔ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، خالی جسم رہ جائے گا، روح کے ساتھ اس جسم کی قدر ہے، اگر روح نکال لی جائے تو جسم خالی ہے۔ فرمایا اسی طرح ایمان کی بھی ایک روح ہے، مغز قرآن روح ایمان، میں ایسا نسخہ تجھے بتانے جا رہا ہوں اور کیپسول دینے جا رہا ہوں جو ہر مرض کا علاج ہے، مغز قرآن روح ایمان، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت الا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار مدینہ سے محبت نہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ سرکار کی محبت کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین، جسم ایک ہے تو اس میں جان بھی ایک ہے، لیکن سر کو درد ہو جائے تو سائی صاحب بندے کہتے ہیں جی میرا سر گیا، جان گئی، آنکھ کو درد ہے جی میری جان گئی، دانت کو درد ہے میری جان گئی، کمر کو درد ہے میری جان گئی،
पेट में दर्द है मेरी जान की, भी जान एक है, वही दांत में है, वही आंख में है, वही सर में है, वही कमर में है। फरमाइए, ये तो अकेली जान है ना, मेरा नबी तो हर जान की भी जान है। अगर नहीं इतबार तो मेराज वाली रात को पढ़ के देख लो, जब मेरा महबूब उस जहान में चला गया तो यहाँ क्या है, बिस्तर की तपश भी रुक गई, पानी का चलना भी रुक गया, कुंडी का हिलना भी, वो हर चीज। और जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आए तो पानी भी चलना शुरू हो गया, बिस्तर की तपश भी वहीं वैसे की वैसी है, और कुंडी की हिल हिलाहट भी जारी है। यानी मतलब क्या, मेरे महबूब जो है वो कायनात की जान है, कायनात की जान है, और महबूब सहबे कुरान है, और कुरान का एक एक लफ्ज जो है वो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का सना खान है। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। किसी जगह फरमाया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, किसी जगह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, किसी जगह इरशाद फरमाया यासीन वल कुरान अल हकीम, किसी जगह इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, किसी जगह इरशाद फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबियीन, किसी जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, किसी जगह इरशाद फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिलु या अय्युहल मुदस्सिरु। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की शाने हैं। फरमाया आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। पिछले दिन एक आदमी मुझे मिला, ये इत्तफाक की बात है, वो कहने लगा जी आप खालिस तो ईद बयान किया करें। मैंने कहा जी खालिस तो ईद वाली सूरत आप पढ़ दें। कहने लगा जी हम तो बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं, उल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने कहा ये लफ्ज कुल है, कुल ये अल्लाह किस से इरशाद फरमा रहा है, कुल अल्लाह तो वो है ना, अल्लाह तो वो है जिसने कुन कह के कायनात को बना दिया, कुन फयकून, तो क्या उसे क्या जरूरत थी एक ऐसी खूबसूरत हस्ती बनाने की, हैं हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजदारी आंच खूबा हमादारन तो तनहादारी, क्या जरूरत थी कि माजागल बसर का काजल भी डालता और यासीन के सेहरे की लड़ियां भी बनाता और वद्दुहा का चेहरा जो है वो भी चांद की चांदनी तरह चमक के दमक के सामने आता और लोग उसे देखते और कहते कि ये अगर इसका महबूब इतना प्यारा है तो ऐन मुमकिन है कि इसका खुदा भी बड़ा प्यारा होगा। क्या जरूरत थी, जरूरत थी कि उस महबूब को ऐसा खूबसूरत बनाने की। फरमाया ये तो अनवारो तजल्लियात का मजहर है, ये मेरी जात का मजहर है, खुदा खुदा है, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है, लेकिन बाद अस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। कायनात आलम में अगर किसी की हस्ती है शान वाली खुदा के बाद तो वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की ज़ात है। तो मैंने कहा कि अल्लाह ने लफ्ज़ कुल किसको इरशाद फरमाया, कुल आप फरमा दीजिए हबीब हुवल्लाहु अहद होवा, इसम इशारा बईद है ना, होवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतमा अंतुम अंति अंतमा अंतुना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना कुन्ता कुन्तुमा कुन्तुम कुन्ती कुन्तुमा कुन्तुना हुवा हुमा हुम हुवल्लाहु अहद हुवल्लाह। अल्लाह तो हर जगह है, नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्ला, हर मस्जिद में अल्लाह है, वनहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हर एक इशारक से ज्यादा करीब है। लेकिन हुवा क्या, फरमाया जो तेरे इशारक से ज्यादा करीब है, जो तुझे बनाने वाला है, हुवा वही रब है, हुवल्लाहु अहद जो अल्लाह एक है, जो अल्लाह एक है, ला वालदा वालदा जालदा जसदा उजुवा खुजुवा नुसुबा रुसुवा, ना उसका हसब है ना नसब है ना जिस्म है ना औलाद है ना बीवी है ना बच्चे हैं ना नसब है ना उजव है, वो ला मकाम है, ऐन बेमिसल जात है, ला मकाम में रहता है। और रहना भी, ये भी अजब बात है, रहता वो है जो मुकैद हो, जिसका याता किया जा सके, अल्लाह करीम रहने से भी पाक है। तो खैर बात लंबी हो गई, फरमाया हबीब कुरान पाक जो मैंने तुझ पे नाजिल किया ना, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये बड़ा वजनी और बड़ा भारी कलाम है, बड़ी शान वाला कुरान है, और कुरान रहमत है, कुरान शिफा है, कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, किन के लिए, मोमिनीन के लिए।
और ये कुरान पाक नाजिल कब हुआ? बात यह है कि बनी इसराइल के चार आबिद थे जिनका सरकार ने जिक्र फरमाया, फरमाया कि चार माह तक उन्होंने लगातार रोजे भी रखे, रात को क़याम किया और रोजे के साथ जिहाद भी किया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान सोचने लग गए कि या रसूल अल्लाह, उनकी तो उम्रें भी ज़्यादा थी, अमल भी ज़्यादा, फिर अजर भी ज़्यादा, अगर अजर ज़्यादा है तो नेकियाँ भी ज़्यादा, तो सरकार ने भी तवज्जो फरमाई कि वाकई ही फिर अजर तो कम होगा, मेरी उम्मत जो है इसकी उम्र भी थोड़ी है और जब उम्र थोड़ी है तो नेकियाँ भी थोड़ी हैं। तो रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अमीन को भेजा, फरमाया महबूब तेरा चेहरा जो है वो नीचे किया हुआ हमें गवारा नहीं, मैंने तो कायनात का हर हर जर्रा जो है वो तेरे लिए बनाया है, तेरे चेहरे की खातर तो हमने किबला बदल दिया, फलनवल्लियन्नक किबलतन तरदाहा। हबीब क्या वजह है? या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उम्र भी ज्यादा थोड़ी है और नेकियां भी कम होंगी। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। ओ हबीबा, हमने कुरान पाक को रमज़ान में उतारा है, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, और रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरा में एक रात ऐसी बनाई है खैरुम मिन अल्फ शहर, जो हज़ार महीने की इबादत एक तरफ, उस एक रात की इबादत एक तरफ। उम्र थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अजर तो मैंने देना है ना, ये मेरे महबूब की उम्मत है, ये मेरे महबूब की उम्मत है, आ जाओ रूठे हुए रब को मना लो, इस हसीन पैकेज को भी ज़ाया मत कीजिए जो आने वाला है, और इस रात सारे का सारा कुरान जो है मेरे महबूब पाक के सीना पाक पे मुकम्मल हुआ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब फतह मक्का हुआ ना, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और इस्लाम जो है ना इंतहाई अमन का दर्स देता है। आज लोग कहते हैं ना इस्लाम ये टेररिज्म का दर्स देता है जी, ये लोग बड़े तशद्दुद पसंदाना रवैये रखते हैं, इस्लाम जो है इंतहाई पुरसकून और पुरअमन दर्स देता है। जब सरकार मदीना मक्का शरीफ में थे, वहाँ क्या था, मिनोरिटी थी, सरकार अकेले थे, कुछ चंद गिनती के सियाबा साथ थे, और जब हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए, वहाँ दीन का काम हुआ, वहाँ होगी मेजॉरिटी, यहाँ अकलियत थी वहाँ अक्सरियत हो गई। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी अक्सरियत के साथ फाते बन के मक्का शरीफ में आए ना, चाहिए तो ये था कि आते ही हमला कर देते, लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया इस्लाम वो है किसी के पसीने का कतरा तो दूर की बात, खून का कतरा तो दूर की बात है, हम किसी के पसीने का कतरा भी ज़ाया नहीं होने देंगे। आपने फरमाया जो मेरा बदतरीन दुश्मन है ना उस वक़्त का, उसके घर में भी कोई दाखिल हो जाएगा तो मैं मोहम्मद अरबी उसको माफ़ कर दूंगा। ये इस्लाम है, इस्लाम अमन है, इस्लाम मोहब्बत है, इस्लाम रवादारी है, इस्लाम में अख़ुव्वत है, इस्लाम में प्यार ही प्यार है। और ये 30 पारों वाला कुरान पाक है, ये सिर्फ हम जब पढ़ते हैं ना तो ये सिर्फ काली काली स्याही वाले हरफ ही नज़र नहीं आते। एक दफ़ा मैं बयान कर रहा था कि एक आदमी ने मुझे कहा कि आपने फरमाया वला रतमी वला या बिसिनिल्ला फी किताब में मुबीन, कुरान में हर खुश को तर चीज़ का इलम मौजूद है, तो आप हमें ये बताएं कि सुबह की चार रखते कहाँ हैं कुरान पाक में, दो सुन्नत और दो फ़र्ज़, या इशा की 17 रखते किधर खड़ी हैं वो कुरान पाक की आयत हमें पढ़ के सुनाए ना, चार सुन्नत और चार फ़र्ज़, दो सुन्नत दो नफल, तीन वितर और दो नफल, ये 17 रखते कहाँ हैं। तो बंदा वीडियो बना रहा था, मैंने कहा यार तेरे पास कोई खाली सीढ़ी है, उसने कहा जी है, मैंने कहा कि तुझे कोई चीज़ नज़र आ रही है सीढ़ी को पकड़ के, उसने कहा जी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जब कंप्यूटर में डाला तो पूरी 2 घंटे की तकरीर नशर होने लगी, लोगों के हरकतों सकनात, हर एक का अंदाज़ और गुफ्तगू। मैंने कहा भैया बात यही है, अगर कुरान को देखोगे जैसे केसट को देखेंगे, सीढ़ी को देखेंगे, रंग नज़र आएगा, फीता नज़र आएगा, लेकिन जिस तरह उसको टीवी स्क्रीन पे ऑन करके देखेंगे, कंप्यूटर पे चला के देखेंगे, तो हर हर चीज़ आयां हो जाएगी। ऐसे जब तू और मैं कुरान खोलेंगे तो हमें भी काले काले
रंगों वाले हर्फ नजर आएंगे, लेकिन जब इस कुरान को मेरे महबूब ने नबुवत की स्क्रीन पे चला के देखा तो कायनात की हर हर चीज रोशन हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया भाई अकीमुस्सलात है, लेकिन सुबह की 4 रखते हैं, जोहर की 12 रखते हैं, असर की 8 रखते हैं, मगरब की 7 रखते हैं और ईशा की 17 रखते हैं। ये तहज्जुद का तरीका है, ये आयली जिंदगी का तरीका है, ये माँ बाप का अदब है। एक एक चीज़ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वाइंड अप में कर रहा हूँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं। और हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान पाक जो है ये हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए, जो परहेजगार हैं उनके लिए हिदायत है। और कुरान पाक को अल्लाह करीम ने रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात लैलतुल कदर में नाजल फरमाया। और लैलतुल कदर से पहले माह शाबान में एक रात आती है जनाब साहिब साहब, जो बोली जाती है शब बरात के नाम से। तो ये डाउट जेन में आता है जी, कुछ लोग कहते हैं जी कुरान पाक शब बरात में भी आया, तो मैं इसकी ज़रा डीपली वजाहत करना चाहता हूँ आपकी वसादत से, कि उस रात ये कुरान लोहे महफूज से पहले आसमान पर जलवागर हुआ। शब बरात की रात ये कुरान लोहे महफूज से पहले आसमान पर आया, और लैलतुल कदर वाली रात ये कुरान पहले आसमान से मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना पाक पे आया। और जूं ही ये बरकत वाली रात आई ना, आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ, तो अल्लाह करीम ने एक दरख्त लगाया 27वीं की शब, वो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में लगाया और जन्नत में लगाया, जो सरकार का जन्नत में घर है। ये भी अजीम एक तोहफा दे के जा रहा हूँ आपको। और उसका नाम क्या है? तूबा। उस दरख्त का नाम क्या है? तूबा। और उसकी खूबी क्या है? सरकार फरमाते हैं कि उस दरख्त की छांव जो है ना पूरी जन्नत में फैली हुई है, इतना वो पेड़ है घनी छांव वाला, वो मेरे घर में लगा हुआ है और उसकी छांव जो है वो पूरी जन्नत में फैली हुई है, क्योंकि कुरान और साहिब कुरान है ना, पूरी जन्नत में फैली हुई है। या रसूल, अच्छा फिर उस दरख्त की क्या शान है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हशर के दिन जितने जन्नती हैं ना उनको खाना खिलाया जाएगा ना, सोने और चांदी के जितने बर्तन होंगे वो भी उसी दरख्त की जड़ से निकाले जाएंगे। और दूसरा, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें ये पता है कि जन्नत का सारा जो पानी है सप्लाई हो रहा है ना, वो भी मेरे घर से उसी दरख्त की जड़ से आ रहा है। और इससे मैं आगे जाऊंगा, अरबाब इल्म व दानिश के ज़ौक को अल्लाह सलामत रखे, जनाब साईं साहब आपने बहुत नेकी का काम किया है, बहुत ये प्यार वाला काम है, एक उलमा को बुला रहे हैं आप। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया उसी दरख्त की जड़ से तनों से 4 नहरें निकलती हैं। कितनी नहरें निकलती हैं? 4। फरमाया 2 नहरें जहर हैं दुनिया पे जिनका जहूर हो चुका है, वो जन्नत की नहरें हैं और हमारे लिए दरिया हैं। एक का नाम है दरियाए फुर्रात और दूसरे का नाम है दरियाए नील। फरमाया ये मेरे घर से आ रहे हैं। आज कुछ लोग कम वक्त ऐसे हैं ना, वो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद याली है वो किसी चीज़ के मालिक मुख्तार नहीं। मैंने कहता हूँ फिर पानी को पीना भी छोड़ दो, ये भी मेरे महबूब के घर से आ रहा है। ज़मीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, मांगो मांगो हुजूर देते हैं, ये भी मानो ज़रूर देते हैं। और अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाते हैं ना किसी कैसा मुँह हो और ना ही वैसा कोई मांगने वाला हो और ना ही अता करने वाला हो। फरमाया 2 नहरें जो हैं वो बातन की हैं, जो हशर के दिन मेरे गुलामों को मिलेंगी। या रसूल्ला वो कौन कौन सी हैं? फरमाया एक का नाम है कौसर और दूसरी का नाम है सलसबील। एक का नाम है कौसर और दूसरी का नाम है सलसबील। और आला हजरत ने इसकी भी वजाहत फरमाई ना, फरमाते हैं जिनकी 2 बूंद हैं कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ये बाबा मोहम्मद हसन दर्दी साहब इधर होते ना तो उनसे ये तरन्नम से सुनते, जिनकी 2 बूंद, और वो माशाल्लाह सच्चे आशिक रसूल है ना, ये उनकी तरन्नम में मैं पढ़ दूं जरा, जिनकी 2 बूंद हैं कौसरों की
जिनकी दो बूंद हैं कौसर सलसबील, जिनकी दो बूंद हैं कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा। फरमाया वो कौसर जो है वो भी हशर के दिन नसीब होगी। और एक दफ़ा सरकार तशरीफ़ फरमाते तो सहाबा इकराम अलैहि मुरिदवान में से कुछ लोग खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह वहाँ भी मुर्गाबियाँ और मछलियाँ होंगी जन्नत में? जैसे आज हम हैर सुलेमान की जाएँ या बॉर्डर एरिया पे जाएँ, मुर्गाबियाँ तलाश करते हैं और शिकार। फरमाया हाँ हाँ, कुछ कमी नहीं होगी, जो मेरा होगा ना उसे मुर्गाबी भी मिलेगी और हौज़े कौसर पर हम शिकार भी करेंगे, पकाएँगे भी, खाएँगे भी। और मेरे बाबा जी इमामुल मुनाज़रीन फरमाते थे, हाँ जी शिकार भी करेंगे, पकाएंगे भी, खाएंगे भी और सरकार का मिलाद भी मनाएंगे। और मेरा दिल तो ये चाह रहा है ना कि इंशाल्लाह जैसे आज बरकत वाली घड़ी में साजे साहब नकीब हैं, हशर के दिन भी रसूलुल्लाह करम फरमाएंगे तो ये नकाबत इनको मिल जाएगी, ये नकाबत कर देंगे और कुर्रा की तिलावत हो जाएगी और इनकी नात हो जाएगी। और काश वो वक्त आ जाए कि मुझ खतीब को भी हुक्म हो जाए कि आप दो मिनट के लिए कुछ ना कुछ मेरी हमदो सना बयान कर दें। सिलसिला यही है, किलो काल सरकार की होती रहे और हुस्न जमाल की बात होती रहे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और कुछ तमन्ना नहीं है। अल्लाह गनी जी, मुर्गाबियाँ भी होंगी और मछलियाँ भी होंगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पकड़ेंगे? फरमा जी पकड़ेंगे। रसूलल्लाह फिर उनकी कैसी शक्ल होगी? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितनी मछलियाँ होंगी ना जन्नत में मेरे हौज़े कौसर में, फरमाया उनकी गर्दनें जो है ना वो सोने की तरह चमकती होंगी, सोने की तरह चमकती होंगी। एक और सहाबी खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अरब वालों को ऊँटों का शौक होता है, वहाँ ऊँट भी होंगे? फरमाया ऊँट भी होंगे। एक खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह घोड़े भी होंगे? जी घोड़े भी होंगे। फिर उनकी कठिया कैसी होगी? फरमाया सोने की होगी। जी या रसूलल्लाह फिर ये परवाज़ भी करेंगे? फरमाया वो ऊँट और घोड़े जन्नत में परवाज़ करेंगे, जैसे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े की बात है ना, क़िबला कारी साहब तशरीफ़ फरमाए हैं कि आप परवाज़ करते, आपके तख्त की बात है कि अल्लाह ताला ने आपको तख्त दिया और तख्त पे बैठते और फरमाते, फम सिक औ अम सिक, फम नुन औ अम सिक बिगैरी हिसाब। फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त को ऑर्डर करते कि जनाब दाएं मुड़ जा, बाएं मुड़ जा, तेज़ हो जा, आहिस्ता हो जा, तो वो तेज़ भी हो जाएगा, आहिस्ता भी हो जाएगा। और बड़ी सी बड़ी गाड़ी में भी बंदा बैठे तो जंप भी लगता है, झटका भी लगता है, लेकिन खुदा इरशाद फरमाता है, ए हवा ताबे हो जा, ये मेरा नबी है, इसे न जंप लगे न झटका लगे, बड़ी नरमगी के साथ, शगुफ्तगी के साथ, आहिस्तगी के साथ, शाइस्तगी के साथ मेरे महबूब को उड़ाना। ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, तो मेरे महबूब तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं। आप भी वराउल वरा हैं और आपके सीना पाक पे आने वाला कुरान वो भी वराउल वरा है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुकद्दस मुकर्रम मुअज़्ज़म में कुरान पाक, कुरान, तिबियान, फुरकान, इरफान, है जी अल किताब, शान वाली किताब का मुताला करने की भी तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। आज इंग्लिश पढ़ने वाला सारा दिन सर सर करता रहता है, सर 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 सर, और जनाब बड़े बूट पॉलिश किए जाते हैं और उनको नाश्ता भी अच्छे तरीके से दिया जाता है और यूनिफॉर्म भी बड़ी जनाब इस्त्री करके, जी मेरा बच्चा ये फलां जा रहा है, फलां जगह जा रहा है, ये नौकरी करने के लिए जा रहा है। लेकिन काश जो कुरान पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी अच्छे नाश्ते तैयार किए जाते और कुरान पढ़ने वालों को भी अच्छे तरीके से तैयारी करके कुरान के सपुर्द किया जाता है जी। आज हमारे मुआशरे की कमबख्ती ये है कि जी जो लंगड़ा है, अपाज है, लूला है, बच्चा नबीना है, जी ये कुरान पाक के सपुर्द मैंने कर दिया, फिर तेरी आखिरत की कैसी अच्छी हो? फरमाया सबसे खूबसूरत बच्चा जो है वो कुरान के सपुर्द करो,
سب سے خوبصورت بچہ جو ہے یہ قاری صاحب کو دیکھ لیں، خوبصورتی میں کوئی شک ہے؟ چہرہ چمک رہا ہے، ان کو دیکھ لیں، یہ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں، چہرہ چمک رہا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ جو اچھے اور خوبصورت قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کے چہرے پہ بھی نور آئے گا، قبر پہ بھی نور آئے گا، اور حشر میں بھی نور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو، موضوع تو کافی وسیع ہے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اتنے بے اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوا یعنی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضا نوری صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور حضرت کا خطاب جو ہے وہ آج بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا۔ ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کچھ سوالن جواباً ہوتا ہے، اور جو ہم نے سوالات آپ سے کرنے تھے، اٹھانے تھے، ان کے جوابات جو ہیں وہ آپ نے ہمارے سوالات سے پہلے دے دیے، اب ہم کیا سوالات آپ سے کریں۔ تو پروگرام کا جو وقت ہے ہمارا ایک گھنٹے کا ہے وہ بھی ختم ہونے کو چاہ رہا ہے۔ حافظ صاحب کی تلاوت تھی، وہ انشاءاللہ تعالی وہ تلاوت بھی آپ کے کھاتے میں آ گئی ہے۔ تو مطلب ہے بھی قرآن پاک کے حوالہ سے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو جو ہیں وہ کئی شب و روز جو ہیں وہ اس پر بولا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو آج آپ نے قرآن پاک کے حوالہ سے اور رمضان کے حوالہ سے اور صاحب قرآن کے حوالہ سے آپ نے بہت مدلل گفتگو جو ہے وہ فرمائی، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوال کر رہے تھے، اس کا جواب ذرا دے دو۔ جی جی، یہ قاری صاحب پوچھ رہے تھے کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا حافظ کون ہے؟ آپ پھر ساجد صاحب فرمائیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا حافظ جو ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرا حافظ جبرائیل امین ہے۔ اور جیسے رمضان المبارک میں حفاظ ایک دوسرے کے ساتھ دور کیا کرتے ہیں نا، تو فرماتے جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، جب بھی رمضان المبارک آتا تو جبرائیل امین عرش برین سے آتا، کہاں آتا؟ فرش زمین پہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کبھی جبرائیل سن رہا ہے اور کبھی سرکار مدینہ کو سنا رہا ہے، یعنی بات یہ بن گئی کبھی فرشتوں کا سردار سن رہا ہے اور نبیوں کا تاجدار سنا رہا ہے، تو کبھی نبیوں کے تاجدار سنا رہے ہیں اور فرشتوں کا تاجدار سن رہا ہے۔ لیکن جب آخری رمضان المبارک آیا نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کو دوہری مرتبہ سنایا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا، ابا جی یہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس دفعہ دو مرتبہ قرآن پاک کیوں سنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے جانے کے ایام بھی قریب آ گئے ہیں، میں نے کہا شاید زندگی وفا پھر نہ کرے، اللہ کے قرآن کو دوہری مرتبہ پڑھتا چلا جاؤں۔ مصطفیٰ جان رحمت، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، تیرے صدقے جہان سارا بنے آ، تیرے واسطے قرآن سارا بنے آ، تیرے واسطے قرآن سارا بنے آ، تیرا ذکر کرا میں فجری شام سونے آ، تیرا ذکر کرا میں فجری شام سونے آ، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا، تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اے، شان تیرے جیا
नहीं किसे पाया है, शान तेरे जया नहीं किसे पाया है, बण्यो अरशादा तुयो मेहमान सोनिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलान व ताक़बल असरान व करल जदीदान वस्तक़ल अल फरकदान व बल्लिग़ रूहु व अरवाह बैतिही मिन्नत हय्यत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बि इल्मिका व शरह सुदूरना बि नूरि मारिफतिका व अस्तअमिल बि दावति अशबारिक सल्लिम फ़इन्ना मिन जुदिकद्दुनिया व दर्रतहा मिन उलूमिका इल्मल्लाहि वल क़लम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही हर जगह तेर
या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात अमन देने वाले प्यारे मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही गर्मी माशर से जब भड़के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। मौला करीम आज के हमारे सामीन हाजरीन नाजरीन कुर्रा हुफाज उलमा और बिलखसूस जनाब मोहम्मद साजिद साहेब मोहम्मद अहमद साजिद साहेब और इनकी जुमला टीम और जितने हमारे हाजरीन नाजरीन मस्जिद के अहबाब दोस्त जितने हैं मौला करीम इन सब को सलामत क़यामत फरमा, जितने बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा और बार बार दुरूद सलाम पढ़ने वालों को सुनने वालों को सलाम शरीफ की बहारें लेने वालों को सलामती अता फरमा और हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब फरमा। और फजल चश्ती साहब पाक पतन से उनको अल्लाह करीम से तो अफियत भी अता फरमाए रिज़्क़ वाफ़ी अता फरमाए उनकी जुमला मुश्किलात जो हैं वो आसान फरमाए। और मुझे ये पता चला है कि बाबा मोहम्मद हसन दर्दी साहब उनकी तबीयत भी कुछ नासाज है, अल्लाह करीम उनको भी सेहत व अफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनके तुफैल मुझको भी सेहत अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही व नूरिल रशीद ज़ीनत फ़र्श मुहम्मदिन व आला आलिहि व सहाबिही अजमईन। नाज़रीन आज का प्रोग्राम बरकत रमज़ान का वक़्त इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह ताला शब्बे बरात के हवाला से शब्बे कदर के हवाला से हमारे मेहमान होंगे हज़रत अलामा मोहम्मद अहमद जामी साहब। इंशाअल्लाह ताला कल 3 बजे प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएगा, तो कल तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मैं अपने जुमला मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।